दोस्तों, सपनों की दुनिया सदा से रहस्यमय रही है। कुछ सपने अजीब होते हैं तो कुछ सुखद, कुछ डराने वाले तो कुछ ऐसे जिन्हें कभी भी भूलने का मन नहीं होता है। ऐसे ही सपनों से जुड़े कुछ विचित्र मतलब को जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सपनों के जरिए से हमें मृत्यु के संकेत मिलने लगते हैं। सपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के संकेत देते हैं। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी उससे अनजान रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सपने में मृत्यु देखता है, चाहे वो अपने हो या कोई और, उससे देख डर जाता है। सपने में मृत्यु देखना लोग अशुभ मानते हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। सपने में अगर आपको भूत प्रेत दिखाई दे तो ये अशुभ माना जाता है। ये सपना संकेत देता है कि भविष्य में आपको कोई नुकसान होने वाला है। अगर सपने में आपने किसी की हत्या होते हुए देखी है तो इसका संकेत है कि आपको धोखा मिलने वाला है। वहीं अगर आपने किसी व्यक्ति को जलते हुए देखा है तो ये सपना धन प्राप्ति का सूचक होता है। अगर सपने में आपने कोई शव देखा है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य जागने वाला है। सदियों से काली बिल्लियों को जादू, चुड़ैल और रहस्यमयी बातों से जुड़ा हुआ माना जाता है। सपने में काली बिल्लियों को देखना असुरक्षा का संकेत माना जाता है। इन्हें दुर्भाग्य से भी जोड़ा जाता है। सपने में काली बिल्ली देखना भविष्य में किसी बुरी घटना होने के ओर संकेत देता है। अगर आपके सपने में कोई भवन निर्माण कार्य दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपकी पक्की तरक्की होने वाली है। आपके व्यापार या फिर कार्य क्षेत्र में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अभी तो बहुत कुछ विचित्र जानना बाकी है। यदि रात को सोते समय आपको कोई शुभ सपना आता है तो उसके बाद आप भूल कर भी सोए नहीं। यदि आप शुभ स्वप्न को देखकर दोबारा सो जाते हैं तो आपके शुभ फल व्यर्थ हो जाते हैं। अच्छे सपने देखने के बाद सुबह होने तक यदि संभव हो तो देव स्तुति करनी चाहिए। सपने में सांप के दांत दिखना भी अशुभ माना जाता है। इस सपने के आने का मतलब है कि आपको किसी से धोखा मिल सकता है। ये सपना नुकसान पहुंचाने का भी संकेत देता है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। ये सपना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने के लिए संकेत दे रहा है। सपने में खुद को आत्महत्या करते हुए देखना का अर्थ है कि आपकी उम्र और बढ़ गई है। जी हाँ, और आपके भविष्य में जल्द ही आपको धन मिलने वाला है। सपने में खुद को ठंडे पानी में नहाते हुए देखने का मतलब है कि आपको सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। सपने में खुद को किसी से गिरते हुए देखना भी शुभ माना जाता है। अगर आपको सपने में खुद के हाथ में गुलाब का फूल दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है, जिससे आपको जल्द ही धन का लाभ हो सकता है। यदि आपके घर का कोई सदस्य या फिर कोई दोस्त, सगा संबंधी जिसकी मृत्यु रोगों के कारण हुई हो, वो आपको सपने में स्वस्थ दिखाई देता है और हंसते हुए प्रसन्न दिखाई दे तो इस सपने का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को किसी अच्छे स्थान पर जन्म मिल चुका है और वो व्यक्ति प्रसन्न है। साथ ही अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आपको कहीं से बहुत सारा पैसा मिला है, इस स्थिति में समझ लीजिए आपकी किस्मत चमकने वाली है। ऐसा सपना इस बात का पूर्व संकेत देता है कि आपको बिना मेहनत के बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप सपने में सिक्के देखते हैं तो ये दरिद्रता का सूचक है। इसके अलावा सपने में कागज का नोट देखना साक्षात लक्ष्मी के आने की सूचना देता है। अगर आप सपने में बैल को बैलगाड़ी खींचते हुए देखते हैं तो ये सपना एक अच्छा और आने वाले समय में व्यवसाय में वृद्धि होती है। साथ ही साथ आने वाला समय अच्छा होता है, व्यापार बढ़ता है। और अगर कोई नौकरी करने वाला जातक है और वो ये सपना देखता है तो उसके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सपने में अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज को लेकर अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं। आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। सपने में यदि आप किसी को दुल्हन बना देखते हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। यदि सपने में आप दुल्हन को रोते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में कोई अनहोनी होने वाली है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।